200 कलश के साथ मोरहर नदी भरही से जल उठाकर महारुद्र यज्ञ का चौथा वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन देखने को मिला। आपको बता दें, श्री श्री 1008 आनंद दास जी महाराज के द्वारा कथा व प्रवचन एवं जनकपुर से आए महालक्ष्मी नारायण रामलीला मंडल वाराणसी गिरजागिरी के द्वारा रामलीला किया गया है। कलश स्थापना व हवन पूजन के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड के प्रतापपुर क्षेत्र से, जहां राजपुर रोड में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को 5 दिवसीय महारुद्र यज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिला श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक दिखी। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भरही पंचायत के गांव राजपुर के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को 5 दिवसीय यहां महारुद्र यज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देखने को मिला। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पीला वस्त्र धारण किए श्रद्धालु अपने सिर पर कलश लेकर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से निकले। एक दर्जन वाहनों के पीछे सभी श्रद्धालु चल रहे थे, साथ ही बैंड बाजे से सभी लोग लबरेज दिखते हुए नजर आए हैं। श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में निकल रहे थे, तभी भरही रोड के स्थित माँ देवी शीतला मंदिर होते हुए मोरहर नदी पहुंचे। यहां नदी से कलश में जल लेकर पुनः सभी श्रद्धालु मेन रोड मानतू इमामगंज मार्ग से गायत्री मंदिर गए। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने में से पूरी सड़क पर जाम रहा। श्रद्धालुओं के जयकारा लगाने व महिला श्रद्धालुओं द्वारा गीत गाने से पूरा माहौल भक्तिमय दिखा। डॉक्टर सहदेव प्रजापति, सुकर यादव, विनोद शर्मा एवं बाबा श्री आनंद दास जी महाराज ने बताया कि 13 मार्च तक चलने वाले इसमें प्रतिदिन भक्ति कार्यक्रम आयोजित होंगे। शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रज्ञा पुराण कथा एवं संगीत प्रवचन का आयोजन किया जाएगा एवं टावर झूला, ब्रेक डांस, नौका झूला एवं मीना बाजार भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रज्ञा योग व्यायाम के बाद 8 बजे से 11 बजे तक देव पूजन एवं महारुद्र यज्ञ का समापन होगा। प्रवचन के लिए श्री आनंद दास जी 10 सदस्यीय टीम के साथ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन शाम में प्रवचन किया जाता है। यज्ञ को सफल बनाने के लिए राजन गुप्ता, सहदेव प्रजापति, विनोद शर्मा, शुकर यादव, अजय प्रजापति, रिंकू प्रजापति, भगवान सौ, अवदेश प्रसाद, विक्रम कुमार गुप्ता, चंदन कुमार, मुकेश कुमार, रोहित कुमार, रोशन कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। ये आज चतुर्थ दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार चौथा साल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रामलीला और अयोध्या धाम से आए हुए कथा वाचक भी हैं, जो संध्या 7 से लेकर 10 तक कथा होगा और 10 से 2 तक रात्रि तक रामलीला का मंथन किया जाएगा। और मीना बाजार वगैरह भी यहाँ आया हुआ है और ये बहुत बृहद पैमाने पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक साल। कितने कलश के साथ कलश यात्रा निकाले जाएंगे सर? लगभग 201 कलश का व्यवस्था है, 201 कलश का व्यवस्था किया गया है और ये कलश यहाँ से 10 बजे हम उठाएंगे, लेके चलेंगे भारी जाएंगे, वहाँ पंचायत भवन है उसके बगल से, दो मोहन नदी है, वहाँ से हम जल उठाएंगे, हालांकि यहाँ रह करके 5 दिवस से कार्यक्रम पूजा पाठ किया जाए। कितने दिन का यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा? 5 दिन का। कब से चालू हो रहा है ये? 9 तारीख है, आज से चालू होगा जो 13 तक चलेगा। यहाँ इस राजपुर गाँव में जो शंकर भगवान का मंदिर है, इसमें चौथा वार्षिक उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें प्रवचन और रामलीला का कार्यक्रम होता है, जो कि और सुबह पूजन पाठ होगी और संध्या आरती होगी और शाम में आपको 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और 10 बजे से रामलीला का आयोजन है, जो कि रात्रि 2 बजे तक चलेगा और इसमें सब भक्त लोग आकर के कथा श्रवण करेंगे। R9 भारत के लिए कुमार चंदन चौधरी की रिपोर्ट, प्रतापपुर चतरा झारखंड। बात करेंगे पांकी विधानसभा क्षेत्र के मंझौली मंगलपुर की, जहां निवासी निर्मल कुमार सिंह पत्नी रानी देवी के घर लड़के ने जन्म लिया, जो जन्म से ही जिंदगी की कठिनाई का सामना कर रहा है और बच्चे के पहले इलाज के दौरान दिल में छेद की पुष्टि करी गई है। बच्चे के जन्म लिए 1 महीने 20 दिन हो गए हैं। बताते चलें कि बच्चे को मेदिनीनगर रांची के डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान इलाज करने से मना व रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों द्वारा बच्चा का इलाज के लिए अच्छी हॉस्पिटल में चले जाने की सलाह भी दी गई। निर्मल कुमार सिंह अपने बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ लेकर जा रहे हैं। बताते चलें कि पिंटू कुमार सिंह नव प्रदेश पत्रकार हरिओम नगर कोनवाई पाकी के द्वारा 500 रुपए देकर बच्चे के इलाज के लिए सहयोग प्रदान किया गया। वहीं पिंटू कुमार ने बताया कि 500 रुपए के हिसाब से लोग बीमारी से ग्रसित बच्चे को मदद करेंगे तो 2,50,000 रुपए इकट्ठा किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग सहायता करने पर 10-20 लाख की यदि सहायता हो जाती है तो बच्चे का जीवन बच सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पत्रकारिता करने का एक ही उद्देश्य है कि वह गरीब एवं असहाय लोगों के हक के लिए काम कर सके, उनका अधिकार दिला सके। इस बच्चा को
बहुत जल्द से जल्द पैसा की जरूरत है और आप सब मदद करें, हम भी कुछ अपना छोटा कुछ सहायता करके दें। आप लोग संदेश देना चाहते हैं कि अपने लिए तो सब कुछ जीते हैं, एक बार जिसे बच्चे के लिए कम से कम जो आपसे हेल्प हो सके आप दें, आप सहयोग करें। आपसे अपेक्षा करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस को देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने का काम करें। आप लोग का ताकि ये बच्चा भविष्य में आगे दुनिया देख सके। R9 भारत के लिए अभिमन्यु कुमार, पांकी, पलामू, झारखंड। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पवृद्धि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है। बातें उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने कही। वे आज दिनांक 10 मार्च को स्वर्णालय परिसर में जागरूकता रथ को रवाना कर रहे थे। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के माध्यम से फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार लाने, नर फसल ऋण माफी, नए फसल ऋण माफी सुनिश्चित करने, कृषक समुदाय के पलायन को रोकने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी भी की जाएगी। उन्होंने पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु अपने निकटतम प्रज्ञा केंद्र अथवा बैंक शाखाओं में जाने की अपील की है। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे, पलामू, झारखण्ड।